14 मन्वंतरों तथा विवस्वान की संतति का वर्णन। ऋषि बोले, महामते सूजी, अब समस्त मन्वंतरों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा उनकी प्राथमिक सृष्टि भी बतलाइए। लोमहर्षण जी ने कहा, विप्रगण, समस्त मन्वंतरों का विस्तृत वर्णन तो मैं 100 वर्षों में भी पूरा नहीं कर सकता, अतः संक्षेप में ही सुनो। प्रथम स्वयंभव मनु है, दूसरे स्वरोचिष, तीसरे उत्तम, चौथे तामस, पांचवे रैवत, छठे चाक्षुष तथा सातवें वैवस्वत मनु कहलाते हैं। वैवस्वत मनु ही वर्तमान के कल्पक के मनु हैं। इसके बाद सावर्णी, भौत्य, रौच्य तथा 4 मेरु सावर्णी नाम के मनु होंगे। ये भूत, वर्तमान और भविष्य के सब मिलाकर 14 मनु हैं। मैंने जैसे सुना है उसके अनुसार मैंने सब मनुओं के नाम बताए। अब इनके समय में होने वाले ऋषि, मनुपुत्रों और देवताओं का भी वर्णन करूंगा। मरीचि, अत्री, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुल सत्य तथा वशिष्ठ, ये 7 ब्रह्मा जी के पुत्र उत्तर दिशा में स्थित हैं, जो स्वयंभव मन्वंतर के सप्तर्षि हैं। अग्निद्र, अग्निबाहु, मध्य, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, गुतिमान, हव्य, सबल और पुत्र, ये 10 स्वयंभव मनु के महाबली पुत्र थे। विप्रगण, यह प्रथम मन्वंतर बतलाया गया है। स्वरोचिष मन्वंतर में प्राण, बृहस्पति, दत्तात्रेय, अत्रि, च्वयन, वायुपोक्त तथा महाव्रत, ये 7 सप्तर्षि थे। तुषित नाम वाले देवता थे और हवोग्न, सकृति, ज्योति, आप, मूर्ति, प्रति, नभस्य, नभ तथा ओर्ज, ये महात्मा स्वरोचिष मनु के पुत्र बताए गए हैं, जो महान, बलवान और पराक्रमी थे। यह द्वितीय मन्वंतर का वर्णन हुआ। अब तीसरा मन्वंतर बतलाया जाता है, सो सुनो। वशिष्ठ के 7 पुत्र वासिष्ठ तथा हिरण्यगर्भ के तेजस्वी पुत्र थे। यही उत्तम मन्वंतर के ऋषि थे। ईश, ओर्ज, तनोर्ज, मधु, माधव, शुचि, शुक्र, सह, नभस्य तथा नभ, ये उत्तम मनु के पराक्रमी पुत्र थे। इस मन्वंतर में भानु नाम वाले देवता थे। इस प्रकार तीसरा मन्वंतर बताया गया है। अब चौथे का वर्णन करता हूँ। काव्य, प्रथु, अग्नि, जुहू, धाता, कपिवान, अकपिवान, ये 7 उस समय के सप्तर्षि थे। सत्य नाम वाले देवता थे। गुति, तपस्या, सुतपा, तपोभूत, सनातन, तपोरति, अल्कमाश, तन्वी, धन्वी और परमतप, ये 10 तामस मनु के पुत्र कहे गए हैं। यह था चौथे मन्वंतर का वर्णन। पांचवा रैवत मन्वंतर है। उसमें देवबाहु, यदुद्र, वैदशिरा, हिरण्यरोमा, पर्जन्य, सोमनंदन, उर्दभाहु तथा अत्रिकुमार, सत्यनेत्र, ये सप्तर्षि थे। अभूत रजा और प्रकृति नाम वाले देवता थे। घृतिमान, अव्यक्त, युक्त, तत्वदर्शी, निरुत्सक, आरण्य, प्रकाश, निर्मोह, सत्यवाक और कृति, ये रैवत मनु के पुत्र थे। यह पांचवा मन्वंतर बताया गया है। अब छठे चाक्षुष मन्वंतर का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। उसमें भृगु, नभ, विवस्वान, सुधामा, विरजा, अतिनामा और सहिष्णु, ये ही सप्तर्षि थे। लेख नाम वाले 5 देवता थे। नाडवले नाम से प्रसिद्ध रुरु आदि चक्षु मनु के 10 पुत्र बतलाए गए हैं। यहाँ तक छठे मन्वंतर का वर्णन हुआ। अब सातवें वैवस्वत मन्वंतरण का वर्णन सुनो। अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र तथा जमग्नि, ये सब वर्तमान मन्वंतर में सप्तर्षि होकर आकाश में विराजमान हैं। साध्य, रुद्र, विश्वदेव, वसु, मरुद्गुण, आदित्य और अश्विनी कुमार, ये इस वर्तमान मन्वंतर के देवता माने गए हैं। वैवस्वत मनु के इच्छवाकु आदि 10 पुत्र हुए। ऊपर जिन महातेजस्वी महर्षियों के नाम बताए गए हैं, उन्हीं के पुत्र और पौत्र आदि संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए हैं। प्रत्येक मन्वंतर में
धर्म की व्यवस्था तथा लोक रक्षा के लिए जो सात सप्तर्षि रहते हैं, मनवंतर बीतने के बाद उनमें चार महर्षि अपना कार्य पूरा करके रोग शोक से रहित ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। तत्पश्चात दूसरे चार तपस्वी आकर उनके स्थान की पूर्ति करते हैं। भूत और वर्तमान काल के सप्तर्षिगण इसी क्रम से होते आए हैं। सावर्णी मनवंतर में होने वाले सप्तर्षि इस प्रकार हैं: परशुराम, व्यास, आत्रेय, भरद्वाज कुल में उत्पन्न द्रोण कुमार, अश्वस्थामा, गौतम वंशी शरद्वान, कौशिक कुल में उत्पन्न गालव तथा कश्यप नंदन और वैरी अधश्वरीवान, शमन, धृतिमान, वसु, अरिष्ट, अध्रष्ट, वाजी तथा सुमति, ये भविष्य में सावर्णिक मनु के पुत्र होंगे। प्रातःकाल उठकर इनका नाम लेने से मनुष्य सुखी, यशस्वी तथा दीर्घायु होता है। भविष्य में होने वाले अन्य मनवंतरों का संक्षेप में वर्णन किया जाता है, सो सुनो। सावन नाम के पांच मनु होंगे, उनमें से एक तो सूर्य के पुत्र हैं और शेष चार प्रजापति के पुत्र हैं। ये चारों मेरू गिरी के शिखर पर भारी तपस्या करने के कारण मेरू सावर्ण्य के नाम से विख्यात होंगे। ये दक्ष के देवते और प्रिया के पुत्र हैं। इन पांच मनुओं के अतिरिक्त भविष्य में रौच्य और भौत्य नाम के दो मनु और होंगे। प्रजापति रुचि के पुत्र रौच्य कहे गए हैं। रुचि के दूसरे पुत्र जो भूति के गर्भ से उत्पन्न होंगे भौत्य मनु कहलाएंगे। इस कल्प में होने वाले ये सात भावी मनु हैं। इन सब के द्वारा द्वीपों और नगर सहित संपूर्ण पृथ्वी का एक सहस्त्र युगों तक का पालन होगा। सत्ययुग, त्रेता आदि चारों युग 71 बार बीतकर जब कुछ अधिक काल हो जाए तब वह एक मनवंतर कहलाता है। इस प्रकार यह 14 मनु बतलाए जाते हैं। ये यश की वृद्धि करने वाले हैं। समस्त वेदों और पुराणों में भी इनका प्रभुत्व वर्णित है। ये प्रजाओं के पालक हैं। इनके यश का कीर्तन श्रेयस्कर है। मनवंतरों में कितने ही संहार हो जाते हैं और संहार के बाद कितनी ही सृष्टियां होती रहती हैं। इन सब का पूरा पूरा वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी पूरा नहीं हो सकता। मनवंतरों के बाद जो संहार होता है उसमें तपस्या, ब्रह्मचर्य और शास्त्र ज्ञान से संपन्न कुछ देवता और सप्तर्षि शेष रह जाते हैं। 1000 चतुर्युग पूर्ण होने पर कल्प समाप्त हो जाता है। उस समय सूर्य की प्रचंड किरणों से समस्त प्राणी दग्ध हो जाते हैं। तब सब देवता आदित्य गणों के साथ ब्रह्मा जी को आगे करके सुश्रेष्ठ भगवान नारायण में लीन हो जाते हैं। वे भगवान ही कल्प के अंत में पुनः सब भूतों की सृष्टि करते हैं। वे अव्यक्त सनातन देवता हैं। यह संपूर्ण जगत उन्हीं का है। मुनिवरों, अब मैं इस समय वर्तमान महातेजस्वी देवसत मनु की सृष्टि का वर्णन करूंगा। महर्षि कश्यप से उनकी भार्या दक्ष कन्या अदिति के गर्भ से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा विवस्वान की पत्नी हुई। उसके गर्भ से सूर्य ने 3 संतानें उत्पन्न की, जिनमें एक कन्या और 2 पुत्र थे। सबसे पहले प्रजापति श्राद्धदेव, जिन्हें व्यवसत मनु कहते हैं, उत्पन्न हुए। तत्पश्चात यम और यमुना, ये जुड़वी संतानें हुई। भगवान सूर्य के तेजस्वी स्वरूप को देखकर संज्ञा उसे सह न सकी। उसने अपने ही समान वर्ण वाली अपनी छाया प्रकट की। वह छाया संज्ञा अथवा सवर्णा नाम से विख्यात हुई। उसको भी संज्ञा ही समझकर सूर्य ने उसके गर्भ से अपने ही समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। वह अपने बड़े भाई मनु के ही समान था, इसलिए सावर्ण मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। छाया संज्ञा से जो दूसरा पुत्र हुआ उसके शनिश्चर के नाम से प्रसिद्धि हुई। यम धर्मराज के पद पर प्रतिष्ठित हुए और उन्होंने समस्त प्रजा को धर्म से संतुष्ट किया। इस शुभ कर्म के कारण उन्हें पितरों को आधिपत्य और लोकपालक का पद प्राप्त हुआ। सावर्ण मनु प्रजापति हुए। आने वाले सावर्णिक मनवंतर में ही स्वामी होंगे। वे आज भी मेरुगिरि के शिखर पर नित्य तपस्या करते हैं। उनके भाई शनिश्चर ने ग्रह की पदवी पाई।